दोस्तों ये बात तो आपने जानती हो कि बॉलीवुड के रियल ही मैन यानी कि भैया 2.5 किलो के हाथ के असली मालिक यानी कि भैया सनी पाजी की फिल्म गदर के पार्ट 2 को और बॉलीवुड के रियल मेगा स्टार यानी कि गारंटी कुमार, खिलाड़ी कुमार, रिकॉर्ड कुमार यानी कि भाई स्पीडी कुमार, अक्षय कुमार की भी फिल्म ओ माई गॉड के पार्ट 2 को भी बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए 5 दिन हो चुके हैं और इन दोनों फिल्मों का भैया कल बॉक्स ऑफिस पर 6ठा दिन है। तो भाई इन दोनों फिल्मों के लिए 6ठा दिन बॉक्स ऑफिस पर कैसा रहने वाला है कमाई के मामले में, चलिए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं इन दोनों फिल्मों के एडवांस बुकिंग कलेक्शन रिपोर्ट के माध्यम से। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों ये बात तो आप लोग जानती हो कि भाई 5 दिनों तक ओ माई गॉड के पार्ट 2 को भी और गदर के पार्ट 2 को भी बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही शानदार कलेक्शन मिला था और भाई आज से इन दोनों फिल्मों का हॉलीडे वाला पैकेज जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है यानी कि कल से सही मायने में इन दोनों फिल्मों का अग्नि परीक्षा होने वाला है वर्किंग डे पर। तो भाई इन दोनों फिल्मों का भैया 6ठा दिन बॉक्स ऑफिस पर कैसा रह रहा है, चलिए अब आप समझने की कोशिश करिए इन दोनों फिल्मों के एडवांस बुकिंग कलेक्शन रिपोर्ट के माध्यम से। तो दोस्तों ओ माई गॉड का पार्ट 2 जो कि भैया बहुत ही कम स्क्रीन के माध्यम से सिनेमाघरों में रिलीज़ हुआ है और भाई इस फिल्म को 5 दिनों तक बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही शानदार प्रदर्शन मिला है, लेकिन भैया 6ठे दिन इस फिल्म को जितना का एडवांस बुकिंग मिलता नज़र आ रहा है उसको देखने के बाद हम यही बात कहेंगे कि भैया इस फिल्म के बिजनेस में ज़बरदस्त गिरावट कल हमें देखने को मिलने वाली है। यानी कि भैया इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आई है कि भैया इस फिल्म के अभी तक पूरे इंडिया से 40,853 टिकट बेचे जा चुके हैं एडवांस बुकिंग के माध्यम से, जिसके माध्यम से ये फिल्म 6ठे दिन के लिए जो अब तक एडवांस बुकिंग हासिल कर पाई है वो आंकड़ा है 1,08,11,223। और भाई कुछ ऐसा ही हाल सनी पाजी की फिल्म यानी कि भैया गदर के पार्ट 2 की भी है जो कि भैया 5 दिनों में ही 200 करोड़ का आंकड़ा बॉक्स ऑफिस पर पार करती नजर आई है। यानी कि भैया इस फिल्म को लेकर यह जानकारी तो ऑलरेडी हम लोगों के सामने आ रही थी कि भैया कई सारे शहरों में इस फिल्म के शोज जो थे वो ऑलमोस्ट हाउसफुल थे, या फिर ये कहें कि भैया पूरे इंडिया में इस फिल्म के शो आज हाउसफुल रहे, ऑडियंस सिनेमाघरों से घर मजबूर हुई है वापस जाने के लिए। लेकिन भाई 6ठा दिन उन सभी ऑडियंस के लिए अच्छा रहने वाला है मेरे भाई, यानी कि भैया कल ऐसा सीन सिनेमाघरों का हमें देखने को नहीं मिल रहा है। यानी भैया इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आई है कि भैया 6ठे दिन के लिए इस फिल्म के जो एडवांस बुकिंग के माध्यम से टिकट बिके हैं उसकी संख्या है 3,11,705, जिसके माध्यम से ये फिल्म 6ठे दिन के लिए जो अब तक एडवांस बुकिंग कर पाई है वो आंकड़ा है 6,95,12,511 का। यानी कि भैया अगर आप लोगों को 5 दिनों तक इस फिल्म का अगर टिकट नहीं मिला है, आज भी आप इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघर पहुंचे थे और आपको मायूस होकर जाना पड़ा है, तो भाई कल बेधड़क आप सिनेमाघरों में चल जाओ, आपको वहां पर इस फिल्म का टिकट मिल जाएगा। यानी कि कल आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से भी बताइएगा कि भैया ये तो होना ही था, हॉलीडे ख़त्म हो चुका है, कल से वर्किंग डे शुरू हो चुका है, तो भैया दोनों फिल्मों के बिजनेस में तो गिरावट आएगा, लेकिन भाई इन दोनों फिल्मों को लेकर हम ये बात तो ज़रूर कहेंगे कि भैया पहला हफ्ता इन दोनों फिल्मों के लिए बहुत ही शानदार जाने वाला है। दूसरे हफ्ते से इन फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर किस तरह का कलेक्शन मिलता है इस पर हमारी निगाहें टिकी रहेंगी। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारन जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।